Hey guys, what's up? Once again, welcome back to my channel. My name is Nikhil and you are watching Fashion Nick. Guys, आज हम बात करने वाले हैं 5 amazing benefits of traveling. दोस्तों, हम सबकी लाइफ में ऐसी स्टेज आती है जब हम बहुत ज़्यादा अनहैप्पी और दुखी रहते हैं और इसका सबसे मेन रीज़न है हमारे दिमाग में हार्मोनल लोचा. दोस्तों, जब हमारे दिमाग में एड्रेनलिन, वैसोप्रेसिन और कोर्टिसोल नाम के कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं तब हम सैड फील करते हैं. और दोस्तों, जब हम ट्रैवलिंग करते हैं तो इन हार्मोन्स को दूर भगाने में हमें हेल्प मिलती है. सो दोस्तों, आइए देखते हैं ट्रैवलिंग के कुछ अमेजिंग बेनिफिट्स. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. फर्स्ट बेनिफिट ऑफ ट्रैवलिंग इज ट्रैवलिंग आपके हार्ट अटैक के खतरे को कम करती है. दोस्तों, एक 9 साल की साइंटिफिक रिसर्च में पाया गया कि जो लोग लंबे समय से किसी छुट्टी पर नहीं गए हैं उन लोगों में नॉर्मल लोगों की अपेक्षा 30% ज़्यादा हार्ट अटैक का खतरा पाया गया. और वो लोग जिन्होंने अलग से टाइम निकालकर ट्रैवलिंग को टाइम दिया उन लोगों में नॉर्मल लोगों के मुकाबले 21% हार्ट अटैक की रिस्क कम पाई गई. और दोस्तों, एक दूसरे साइंटिफिक रिसर्च में ये पाया गया कि जो लोग ट्रैवलिंग को टाइम नहीं देते हैं और केवल ऑफिस की चेयर पर ही बैठे रहते हैं उन लोगों के मुकाबले वो लोग जो ट्रैवलिंग को टाइम देते हैं वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं. द सेकेंड अमेजिंग बेनिफिट ऑफ ट्रैवलिंग इज इट इम्प्रूव योर सोशल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स. दोस्तों, जब हम ट्रैवलिंग करते हैं, नई नई जगहों पे जाते हैं और नए नए लोगों से मिलते हैं तो हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है. और दोस्तों, जब हम किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जिस जगह की हम लैंग्वेज नहीं जानते हैं तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हम दूसरे लोगों से किस तरह बात करें. और दोस्तों, अगर आप किसी नई जगह जाते हैं तो आप ये चाहते हैं कि आप वहाँ की सबसे बेस्ट चीज़ें एक्सपीरियंस करें. सो इस तरह ट्रैवलिंग हमारी सोशल और कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करती हैं. नंबर 3, ओनली प्लानिंग ऑफ ट्रिप प्रमोट्स योर हैप्पीनेस. दोस्तों, यूके की यूनिवर्सिटी ऑफ सरे ने 2002 में एक रिसर्च की थी जिसमें उन्होंने पाया कि जब लोग ट्रिप की प्लानिंग करते हैं और जब ट्रिप स्टार्ट होती है उस टाइम लोग सबसे ज़्यादा खुश होते हैं. इस टाइम पे हमारे दिमाग में एंडोर्फिन्स, डोपामिन और ऑक्सीटोसिन नाम के हार्मोन्स रिलीज होते हैं. ये है हैप्पी हार्मोन्स जो कि हमें एक्साइटेड और खुश करते हैं. इसी के साथ ही दोस्तों, रिसर्च ये कहती है कि ट्रिप की प्लानिंग हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी लाती है. नंबर 4, इट बूस्ट अप्स योर कॉन्फिडेंस लेवल. दोस्तों, ऐसी किसी जगह जाना जहाँ पे आपको कोई नहीं जानता हो वो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज करने में आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है. हम नई नई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस का सामना करते हैं और उनसे निपटना सीखते हैं. इससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और हमें खुशी भी मिलती है. नंबर 5, क्रिएट न्यू मेमोरीज फॉर लाइफ टाइम. दोस्तों, जब हम अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ कहीं ट्रैवल करते हैं तो ना सिर्फ ये नई मेमोरीज क्रिएट करता है बल्कि रिश्तों को भी ज़्यादा मजबूत बनाता है. दोस्तों, 2010 की कॉर्नेल रिसर्च के हिसाब से चीज़ों को खरीदने की खुशी के मुकाबले एक्सपीरियंस को खरीदने की खुशी से हमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है क्योंकि मेमोरीज फॉरएवर रहती हैं. सोशल मीडिया या फिर एल्बम बनाकर हम अच्छी मेमोरीज क्रिएट कर सकते हैं. दोस्तों, रिसेंटली मैंने भी 2 वीक्स के लिए अहमदाबाद का ट्रैवल किया था जिसमें मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस और बहुत ही ज़्यादा खुशी मिली थी. दोस्तों, आप अपनी नई ट्रिप कब प्लान कर रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना. दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही. अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना. और अगर आपको भी चाहिए फैशन, ग्रूमिंग या लाइफस्टाइल से रिलेटेड किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना. स्टे स्टाइलिश एंड कीप स्माइलिंग.